कहाँ की राई है? सिंधी की। ये आप लोग खुद उगाते हो? नेपाल के रहने वाले हो तो शिमली में खुद ही उगाते हो? हाँ हाँ खुद ही उगाते हैं। और कितने रुपये गड्डी है? 20 के 3। 20 के 3 सही है। अभी कितनी देर पहले आए हो? 15-20 मिनट हुआ होगा। 20 मिनट में कितना माल बिक गया? अब थोड़ा रह गया। मतलब कितनी गड्डी लाए थे? 100 गड्डी। 100 गड्डी? 100 गड्डी में यही बचा है बस? ये तो मुश्किल से 12 गड्डी है। धनिया के जाना है 10 की। अरे 10 की गड्डी धनिया की? 2 गड्डी। तो मुझे लग रहा भाई आधे घंटे में माल खत्म है। आधे घंटे में माल खत्म। 600-650 रुपए की बिक्री। रेट सही है ना उनके? है रेट सही चल रहे हैं तो उनके। अच्छा भाई साहब एक बात बोलता हूँ मैं। जी भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है? जी प्रकाश। प्रकाश जी सही बताओ। हाँ। हम लोग आपस में बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। हाँ। काम नहीं है। हाँ। अगले बंदे ने घर की क्यारी में नेपाल से आकर और इतना राई उगा रहा है और एक दिन में 700-800 रुपए की भुजी आधे घंटे में बेच के चले जा रहा है। हाँ, हाँ। तो क्या ये लोगों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन नहीं है कि भैया लोग इसको देख के सीखे कि हम भी खेती बाड़ी करके कर सकते हैं काम? क्यों सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया बहादुर भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद क्या काम करते हो? फिर उधर जाना पड़ेगा मुझे फिर राई लेने के लिए शाम के लिए। फिर शाम के लिए राई? फिर शाम को बेचते हो? 100 गड्डी 1500-2000 का है महीने की। 60,000 रुपये आराम से सब्जी बेच के। तब हमारा उत्तराखंड का रोजगार लगाया कि भैया नौकरी दो नौकरी नौकरी दो नौकरी दो भैया।